बिस्मिल्ल रन रहीम मॉनिटरी पॉलिसी के लिए सेंट्रल बैंक का इंस्ट्रूमेंट होता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के लिए जो उसके मनी मार्केट रेट है सेंट्रल बैंक उसके लिए एक टारगेट अनाउंस करता है जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग टारगेट या ऑपरेशनल टारगेट या उसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं सेंट्रल बैंक चाहता है कि जो मनी मार्केट का रेट जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई से डिटर्मिन होता है वो उसके पॉलिसी रेट के करीब रहे या उसके इक्वल रहे अब उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है उसके पास कुछ अवेलेबल टूल्स होते हैं जिनमें एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है और एक जो है वो डिस्काउंट रेट है उन दोनों को चेंज करने से क्या इफेक्ट हो सकता है वो हमने देख लिया अब हम तीसरे टूल को डिस्कस करते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है आपको मैंने ये इस कोर्स के दौरान कई बार बताया कि जब सेंट्रल बैंक जो है वो डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स के पास कस्टमर्स के होते हैं उनके ऊपर रिक्वायर्ड रिजर्व की एक रेशो लगाता है यानी कि कमर्शियल बैंक के पास डिपोजिट हैं उसकी एक खास परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास बतौर रिजर्व रखना होती है जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व अब ये कौन तय करता है कि कितने रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखने हैं ये सेंट्रल बैंक खुद तय करता है जब वो तय करता है तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड रिजर्व का लेवल सेंट्रल बैंक चेंज करेगा किस तरीके से रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो चेंज कर लेकिन ये तो मॉनिटरी पॉलिसी का टूल है और टूल का काम होता है इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेटिंग टारगेट को अचीव करना तो हम उसी क्वेश्चन को दोबारा रेज करेंगे कि जब सेंट्रल बैंक अपना टूल यूज करे यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो चेंज करे तो क्या वो मनी मार्केट रेट को इफेक्ट कर सकता है अगर कर सकता है तो वो मनी मार्केट रेट को अपने लेवल डिजायर्ड लेवल पे ला सकेगा अगर ये टूल उसको इफेक्ट ही नहीं करता तो इस टूल को यूज करते हुए सेंट्रल बैंक ऑपरेटिंग टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर सकते लेकिन पहले दोनों टूल्स की तरह इस टूल का भी इफेक्ट इस चीज पे डिपेंड करता है कि ये टूल यूज करने से पहले यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो चेंज करने से पहले मनी मार्केट रेट किस जगह पे मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम किस लेवल पे थी? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट तो उसके लिए हम पहला केस लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो व्हेन मनी मार्केट रेट इज बिलो सीलिंग रेट यानी कि हम दो केसेस बनाने लगे हैं। एक केस हम यह बनाते हैं कि जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो डिस्काउंट रेट से या सीलिंग रेट से नीचे है और दूसरा केस हम बनाएंगे कि वो डिस्काउंट रेट की इक्वल है तो जब ये केस हो कि जो आपका मनी मार्केट का इनिशियल इक्विलिब्रियम है इनिशियल इक्विलिब्रियम से मुराद ये होती है कि जब तक टूल यूज ही नहीं हुआ आर डी वन और आर एस वन का इंटरसेक्शन जो कि पॉइंट वन पे हो रहा है जिसे हम आई एम आर वन कह रहे हैं ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है मनी मार्केट का और आई एम आर वन जो है वो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है बिफोर चेंज इन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो अब क्या है सेंट्रल बैंक अपने यहां रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बढ़ा देता है जब वो बढ़ाता है तो उसका होगा क्या कि जो रिजर्व्स की डिमांड का कव है वो राइट right साइड पे शिफ्ट हो जाएगा क्यों अब हर बैंक को गिवन डिपॉजिट्स के ऊपर ज्यादा रिजर्व होल्ड करने हैं क्योंकि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बढ़ गया तो रिजर्व की डिमांड बढ़ जाएगी किस साइड पे जाएगी उसका कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा लेकिन सप्लाई ऑफ रिजर्व को कुछ नहीं होगा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो से नतीजा यह होगा कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो वन से शिफ्ट होकर टू पे चला जाएगा और टू पे शिफ्ट होने का मतलब यह है कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझना चाहें ये तो डायग्राम है मैकेनिज्म ये है कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जितना बढ़ जाता है उतना ही बैंक्स के एक्सेस रिजर्व्स कम हो जाते हैं ठीक है या आप यूं कह सकते हैं कि बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि रिक्वायर्ड रिजर्व्स वो अमाउंट है जो सेंट्रल बैंक के पास रहेगी और कमर्शियल बैंक या कैजुअल बैंक उसको लैंड नहीं कर सकते लैंड नहीं कर सकते तो उसका मतलब उसकी लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है तो जब लैंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई तो मार्केट में लैंडिंग कम हो जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा इसका मतलब यह है कि चेंज इन इन रिक्वायर्ड रिजर्व इज इफेक्टिव चेंजिंग मनी मार्केट रेट लेकिन यह उस केस में होगा जब ऑलरेडी मनी मार्केट रेट डिस्काउंट रेट से नीचे अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें पहला इक्विलिब्रियम यह बता रहा है कि जो मनी मार्केट रेट है इक्विलिब्रियम वाला वो सीलिंग रेट के बराबर है वो डिस्काउंट रेट के बराबर है यानी कि अगर आप देखें डायग्राम में तो पॉइंट वन पहले से इक्विलिब्रियम है जिसमें आर डी वन और आर एस वन इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन इससे जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आ रहा है आई एम आर वन वो डिस्काउंट रेट के इक्वल है अब इस सूरत हाल में सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बढ़ा देते तो उससे होगा क्या उससे होगा ये कि जो रिजर्व्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ने से डिमांड का कब राइट साइड पे शिफ्ट होगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट टू पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट टू पे होने का क्या मतलब है उसका मतलब यह है कि अब नया इक्विलिब्रियम जो है उसके मुताबिक जो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है वो तो ज्यादा हो गई जाहिर है रिक्वायर्ड रिजर्व्स जो बढ़ गए हैं एक्सेस रिजर्व्स भी हैं अच्छा एक्सेस रिजर्व्स और रिक्वायर्ड रिजर्व्स रिजर्व का मैंने कहा था कि रिजर्व्स रिक्वायर्ड बढ़ जाएं तो एक्सेस कम हो जाते हैं ये रिलेशनशिप वन टू वन नहीं है ठीक है ना एक्सेस रिजर्व कमर्शियल बैंक का अपना डिसीजन है वो अभी भी ज्यादा होल्ड कर सकते हैं लेकिन जाहिर है कुछ उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो कुछ कम कर देंगे नतीजा ये है कि टोटल रिजर्व लेकिन जो की प्राइस है वो चेंज ही नहीं हुई वो पहले भी डिस्काउंट रेट की इक्वल था मनी मार्केट रेट अब भी मनी मार्केट रेट डिस्काउंट रेट के इक्वली तो रिजल्ट ये निकला कि जब मनी मार्केट रेट ऑलरेडी डिस्काउंट रेट की इक्वल हो जाए तो फिर आप रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो चेंज भी कर लें तो इससे जो मनी मार्केट का रेट है वो इफेक्ट नहीं होता इस बात को अब हम कंक्लूड कर लेते हैं कंक्लूजन क्या है कि इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स काजेज राइज इन द मनी मार्केट तो वो मैकेनिज्म मैंने समझा दिया रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब है मार्केट में बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो जाए यानी कि लोन देने वाला पैसा कम हो जाए कम हो गया तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ड्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स काजेज फॉल इन द मनी मार्केट रेट जाहिर है अगर वही आप रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दें तो फिर बैंक के पास पैसे ज्यादा होंगे लोन देने के लिए लोन की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस गिर जाएगी चेंजेस इन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो डू नॉट इफेक्ट मनी मार्केट रेट इफ इट इज ऑलरेडी एट सीलिंग ये वो पॉइंट जो मैंने दूसरे केस में डिस्कस किया कि ये पॉलिसी इन इफेक्टिव होती है अगर मनी मार्केट का रेट ऑलरेडी सीलिंग रेट पे जाहिर है देखे ना आपने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को बढ़ा के क्या करना था इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना था जब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी सीलिंग पे है तो सीलिंग से ऊपर जा ही नहीं सकता तो पॉलिसी ने इन इफेक्टिव ही होना है थैंक यू